जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप जानते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद स्टॉक का प्राइस अभी नीचे आकर कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अभी प्राइस जो ये कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे आएगा या और ऊपर जाएगा। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में हम सभी जानते हैं कि कंपनी का जो काम है, काम काफ़ी सिंपल है। कंपनी पहले केबिट इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। केमिकल और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में कंपनी अपना बिजनेस करती है। अब देखेंगे इन दिनों तो आपको ये कंपनी कंज्यूमर गुड्स यानी कि अब एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरीके के काम काज में भी कंपनी उतरने लगी है। यानी कि एबेक्सिया लाइफ केयर का यदि फ्यूचर के हिसाब से देखें जो अभी कंपनी काम करती है तो उसमें एक्सपेंडेशन होने के, उसमें विस्तार करने के और भी चांसेज रहेंगे। और इसके मुकाबले देखें तो इन सारी चीज़ों की बदौलत कंपनी का ग्रोथ सस्टेनेबल बेसिस पे फ्यूचर में होते रहेगा। तो ये तो काम की बात हो गई। चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में इन दिनों इसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है कि जब भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती है तो फंडामेंटल मजबूत होता है और कंपनी का मार्केट कैप है वो भी बढ़ते हुए दिखता है। तो मार्केट कैप हालांकि अभी तो नीचे आने के बाद थोड़ा कम हो गया है, 110 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है, लेकिन ये बढ़कर तकरीबन 150 करोड़ के आसपास तक गया था पिछले कुछ महीनों में। अब देखिए अच्छी बात यह है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है। हालांकि कुछ खास ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा है तो ठीक है। जो दूसरे पेनी स्टॉक देखते हैं आप, उसमें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। हालांकि 1% से ऊपर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, पेनी स्टॉक है और माइनस में है तो यह भी ठीक है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर दे देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में नहीं है, इसका यह मतलब हुआ। अब चलिए अब शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और उसके बेसिस पे समझेंगे कि इसका चार्ट क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक साल के चार्ट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है मुझे। चलिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इसके लिए एक सपोर्ट का लेवल था, जहाँ पर पिछले देखिए यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है, फिर आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया और फिर अभी भी देखेंगे तो इसी प्राइस के आसपास यानी कि 1.60 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए मल्टीपल बार इस कंपनी ने सपोर्ट लिया है और सामान्यतः ज़्यादातर देखेंगे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ से बार बार प्राइस ऊपर ही तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ से जब भी क्रॉस करेगा तब भी ऊपर दिखाई देगा और फिर यहाँ पर आया है तो यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर ही जाएगा, ये मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है। ये जो इस कंपनी का शेयर प्राइस इस कंसोलिडेशन रेंज में भी फंसा हुआ है, इस कंसोलिडेशन से जब नीचे आएगा तब दिक्कत की बात है। हालांकि नीचे आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर इसमें बताया मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है और यहीं से प्राइस फिर रिट्रेसमेंट देखिए यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर निकलेगा तो पहले आएगा इस लेवल के आसपास जो कि इसके लिए पहले से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इसको ब्रेक करने के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस इजीली ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका लेवल है 3.5-3 रुपये के आसपास, 3 रुपये के लेवल को भी इजीली ब्रेक कर देगा। यानी कि आप शॉर्ट टर्म में 3 रुपये के लेवल तक के लिए इस प्राइस में जा सकते हैं इस स्टॉक में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके चार्ट में अभी भी मजबूती बना हुआ है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलता है कि कंपनी का प्रदर्शन कैसे हो रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे कंपनी के जो सेल्स हुए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, आपको सेल्स देखिए आप यहाँ पर ये देखिए, पहले जहाँ 13 करोड़ 12 करोड़ था यहाँ पर बढ़कर 14 करोड़ है। बीच में कुछ ये बीच में हालांकि कुछ और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हुआ था यहाँ पे, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो मतलब सेल्स हो रहा है, इससे ये पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे पहले जहाँ माइनस में था ये प्रॉफिट में आ गया है, 22 लाख के आसपास हो गया है, और पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए एबेक्सिया लाइफ केयर में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसमें समय देना है। देखिए शेयर मार्केट में पेशेंस का रखना और होना बहुत जरूरी है, रखेंगे तो पेशेंस से पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। और मैंने एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में आपको जो बातें बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।